ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध निर्माण। जी हाँ, आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तुर्कमान नगर ग्राम सभा और हर की सुरक्षित जमीन जिसकी भूमि संख्या है 110 रकबा 0.0690 स्थित ग्राम तुर्कमान नगर ग्राम पंचायत ओरहर व भूमि संख्या 111 रकबा 0.0380 स्थित ग्राम तुर्कमान नगर ग्राम पंचायत ओरहर पर गांव के ही दबंग जय सिंह यादव के द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग एवं एंटी भू माफिया की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है। वहां के प्रधान संदीप सिंह यादव के द्वारा ऐसे अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दबंगों द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से अवैध कार्य संपन्न कराया जा रहा है। जिनको किसी प्रकार का डर नहीं है, जो उचित नहीं है, फिर भी अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। अब आप समझ सकते हैं कि राजस्व विभाग की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिससे समस्त ग्रामवासियों में बहुत ही आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। शासन के द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करके एक मिसाल पेश की जाए, जिससे समाज के समस्त वर्गों को एक संदेश प्राप्त हो और शासन प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास कायम रहे। उन्नाव से हमारे संवाददाता राजन साहू की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम कैलाश सिलोदी है जी, और उरहर ग्राम सभा का ये राजस्व गांव है तुर्कमान नगर, इस गांव का निवासी हूँ। अच्छा, आपके यहाँ जयसिंह यादव जी सर के द्वारा जो ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है जी, इसके संबंध में प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो गलत तरीके से हमारे ग्राम समाज की जमीन पर बाहरी अराजक तत्व द्वारा कब्जा किया जा रहा है जी, अविलंब उसको हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो अन्याय हो रहा है हमारे ग्राम समाज के लोगों के ऊपर जी, उसको न्याय मिले और ऐसे लोगों को जो समाज के विरोधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत आभार आपका। क्या शुभ नाम है आपका और कौन सी ग्राम सभा में रहते हैं? हमारा नाम है मेवालाल लोधी, राजपुर जी, ग्राम तुर्कमान नगर है, मौजा तुर्कमान नगर है जी। मैं निवासी तुर्कमान नगर के हैं, हमारा मौजा लगाया गया है उरहर में। आपके यहाँ ग्राम सभा की जो भूमि पर अवैध निर्माण लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसके संबंध में प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे आप? ये गलत है, ग्राम सभा की अवैध कब्जा बनाए जा रहे हैं, वो कानून कार्रवाई की जाए और कब्जा हटाया जाए। इसको जो गांव के लोग हैं तो उनको दिया जाए। हमारी लोगों की कोठरी के बगल में वहाँ बनी थी बुजुर्गों ने, वहाँ हमारी गांव संभाग की ज़मीनें थी, हम लोगों को बनाने को नहीं मिला। और मैं वन विभाग में बना रहा हूँ तब भी यहाँ वन विभाग नहीं बनाने देते। हम लोग इसी से परेशान हैं, इसी से कोई आता कुछ बताता बंद करो कहीं ये, और जहाँ हमारी खास ज़मीनें रोड पर है निकलना चाहते। हम लोग बहुत गरीब पात आदमी हैं जी, और माल ले ले खाते हैं और अपना जीवन पालते हैं। प्रशासन से आप इसके लिए गुहार लगाएं, एप्लीकेशन दें तो आपका काम होगा। हम लोगों को एक जानकारी प्राप्त हुई है कि जयसिंह यादव के द्वारा अवैध निर्माण आपके यहाँ किया जा रहा है, क्या है पूरी बात बताएं? वो गलत है, अवैध निर्माण हो रहा है। हाँ, अवैध निर्माण हो रहा है। स्लेप वगैरह लगी है? स्लेप पड़ी है अभी दो चार रोज पहले भाई। अच्छा, हमने देख करके रोज ही जब निगाह से निकालते हैं, हमको खबर है, हम अकेले कहाँ चिल्लाएं, हमारी कौन सुनेगा? अकेले चिल्लाए तो उठा को गाड़ी में डाल लें, 10-20 मारें, तुम बड़े नेता हो वो हो, तो इसलिए चुप्पे बैठे रहते। हम भी शांत गरीब आदमी, कहाँ पाँच या बच्चे दस या घर में, तो किसको खिलाए किसको, मैं क्या करें? हाँ चलो ठीक है, जो गांव के जमीन हम मैं तो बनाए ले जा रहा। शुभ नाम है आपका और कौन सी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? श्याम, मेरा नाम है श्याम प्रकाश। कौन सी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? ये ग्राम सभा ये है ओलाहन। अच्छा, गांव का नाम है तुर्कमान। अच्छा,
हम लोगों की जानकारी में एक मामला आया है कि जयसिंह यादव के द्वारा ये जो अवैध निर्माण किया जा रहा है ग्राम सभा की भूमि पर, इसके संबंध में प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे? ये अवैध तो बना ही रहे हैं ये लोग जबरदस्ती मतलब करके। अच्छा, ये है कि कोई सुनने वाला यहाँ पे है नहीं, और बड़े बड़े लोग आते सब यही लोग ने करके दाना गर्दी करके बस जबरदस्ती करके बनवा लें, कोई सुनने वाला नहीं। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की भूमिका इसमें है।